हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद है और मैं HTML के लेक्चर नंबर 18 के साथ हाज़िर हूँ। और आज हम पढ़ेंगे इससे मज़ीद आगे कि हमने जो जहाँ तक काम किया था, हमने लास्ट टाइम जो ये लिंक दिया था, इसमें नेक्स्ट पेज जो हमारा खुल रहा था। लेकिन आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि जो पेज है वो इसी मीन्स के हमारा जो Frame 3 था इसी में ओपन हो। तो अगर हम ऐसा करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे जो वेबसाइट में होता है? तो हम इसके लिए ये आपको लिंक देना तो आ गया कि लिंक इस तरीके से देना, इसको टारगेट किया। तो फिर हम इसकी कोड में इसके कोड में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम उसी के अंदर ओपन करना चाहें तो हमें क्या करना होगा। सिंपली हम लोगों को जो हम जो अगर 3 में करना चाह रहे हैं, Frame 3 में, तो हम यहाँ पे Frame 3 में इसको जो नेम दे देंगे, यानी कि FREME। हमने इसको नेम जो है वो साइन कर दिया, जिससे हमें इसको हमने सेव किया और जब हमने इसे रिफ़्रेश किया पेज को, देखें अब ये उसी के अंदर, देखें हमारा जो पेज है वो उसी के अंदर ओपन हो रहा है और हमें किसी किस्म की जो मुश्किल का सामना नहीं है। ये देखें हमारा जो पेज है वो उसी में ओपन हो रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लिंक बिल्कुल साथ मिले हुए हैं। तो हम इसके अंदर जो स्पेस है वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं खोलता हूँ Frame 3 और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, एक यूज़ करते हैं एंड का साइन और उसके बाद ये हमने यूज़ किया, इससे थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी लेकिन कम आएगी, तो इसलिए जो है हम ये 2 मरतबा जो है यूज़ कर लेंगे। आप देख लीजिए ये, इसको हमने 2 दफ़ा किया, तो रिफ़्रेश करता हूँ पेज पे, देखें ये स्पेस आ गई बीच में, ये स्पेस आ गई है। उसके बाद जाहिर है कि हम इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं, मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर जो है वो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं बोल्ड कर देता हूँ इसके टेक्स्ट को, यानी कि लिंक के टेक्स्ट को भी हम इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये जो है ये बोल्ड भी हो जाएगा, देखिए ये बोल्ड भी हो गया। अगर हम इसकी विड्थ भी बढ़ाना चाहें तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं, और इस तरह इसको भी मैं जो है वो बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे जो है वो बोल्ड क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से ये बाकी इसके कलर्स वगैरह जो है वो मैं मज़ीद जो है वो बेहतर कर दूंगा वेबसाइट के, क्योंकि इतने अच्छे नहीं हैं। और यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं, तो ये भी बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से अबाउट अस में यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया, तो स्पेस जो है इन सब में चाहिए, तो हम ये NBS का जो है ये एंड का साइन जो है इसमें यूज़ हुआ है स्टार्ट में, जो आप शिफ्ट और 7 से जो है वो आ जाएगा, शिफ्ट और 7 को प्रेस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो मैं देखता हूँ कि कैसे स्पेस बिल्कुल स्पेस में आ गई है। इसमें जो लिंक है मैं देखता हूँ स्टेशन का लिंक, मैं अच्छा ये यहाँ पे भी बंद हो गया, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब जो है यहाँ पे ये लिंक शो करा देगा, ये देखें ये अब हमारे पास चारों पेज जो है वो शो हो गए। अब इस तरीके से आप जिस तरह का कलर जो है वो फ्रेम सेट का लेना चाहें, कोई कलर भी आप लेना चाहें वो ले उसमें आप ले सकते हैं। हेडर का, इनके जो फर्स्ट फ्रेम है उसका कोई भी कलर आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। साइड बार का जो, या फिर जो सेकंड साइड है उसका कोई भी कलर ले सकते हैं। और लिंक आप इस तरह सिर्फ यहाँ पे नहीं ले सकते, ये लिंक भी आप सेम बिल्कुल साइड बार पे भी कॉपी कर सकते हैं। इट मींस कि आप वहाँ पे अलग लिंक ले लें और यहाँ पे अलग ले लें, तो इसमें कोई जो है वो मज़ायका नहीं है और आराम से आप ये वर्क कर सकते हैं। सेम यही हमारा जो है वो पैटर्न होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा आपको ये दिखा भी देता हूँ ये कैसे हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे आए और हम इसको सिंपली जो है वो यहाँ
यहाँ पे ये लिंक कॉपी कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। देखें ये लिंक हमारे यहाँ प्रिंट हो गए, ठीक है। इसका कलर जो है वो सेम था लेकिन ये प्रिंट हो गए। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे जो टारगेट है वो फ्रेम 3 में कर रहा है। तो आज जो है वो हमने स्पेस का सीखा, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने जो है वो आज जो सीखा है वो स्पेस का सीखा कि हम स्पेस किस तरीके से दे सकते हैं, और दूसरा जो हम जो एक ही जो उसमें फ्रेम में जो अगर हमें विंडो को नेक्स्ट पेज को खोलना है तो वो कि हम किस तरीके से खोल सकते हैं। तो आप ये चीज़ सीख लेंगे जिससे आपको कोई जो आपकी वेबसाइट है बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी, और एक ज़बरदस्त हमारी जो वेबसाइट है वो तकरीबन बन गई है। बस उसके बाद जो है उसमें टेक्स्ट वगैरह हम लिखेंगे, इमेजेस लगाएंगे और हमारी एक स्टैटिक वेबसाइट जो है वो बन जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।